हे गाइस, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक माय चैनल। सो गाइस, दिस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ कि आप अपनी जो फोटो है उसका स्काई चेंज कैसे कर सकते हो। यानी कि आपकी फ़ोटो तो एक इमेज है, ठीक है, एंड आप जो स्काई है वो वीडियो का लगा सकते हो। आप समझ सकते हो मैं आपको क्या बोलना चाहता हूँ। सो वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली बहुत ज़्यादा, एंड जल्दी से आज के इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक ऐप को ओपन करना, जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं दे सकता, बट मैं वीडियो को जो लास्ट में आपको बता दूंगा कि किस टाइप से आपको इस ऐप को डाउनलोड करना है, क्योंकि ये प्राइवेट ऐप है, मुझे कॉपीराइट के लिए मिल सकता है। सो मैं वीडियो को एंड में आपको सब कुछ बता दूंगा कि कहाँ से इसको डाउनलोड करना है, ठीक है। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे जाना न्यू क्रिएटिव पे, ठीक है, एंड यहाँ से आपकी एक फ़ोटो यहाँ पे सेलेक्ट करना, कोई सी भी फ़ोटो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो जिसमें स्काई आपको चेंज करना हो। सो यहाँ पे मैंने एक फ़ोटो यहाँ पे ले ली है, चेंज नहीं मतलब मोशन में करना हो आगे पीछे, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने अपनी एक फ़ोटो ले ली है, ठीक है, एंड यहाँ पे लोड होके कंप्लीट, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्काई का, इस पर टाइप करना एंड आपकी फ़ोटो के हिसाब से, जैसे कि मेरी ब्लू टोन में फ़ोटो है, सो मैं यहाँ से एक ब्लू स्काई को लगाता हूँ। सो ये कुछ इस टाइप से यहाँ पे ये ब्लू स्काई लग चुका है, एंड मैं एक बार इसको प्ले करता हूँ। सो कुछ इस टाइप से ये स्काई मोशन में आ जाएगा, मतलब आगे से पीछे और पीछे से आगे चलने लगेगा। सो ये वीडियो इतनी कंप्लीट हो जाने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करके एंड इधर आ जाना, एंड यहाँ पे आप म्यूजिक जो भी कुछ लगाना चाहते हो, फिल्टर कुछ भी, सो यहाँ पे आप उसको भी लगा सकते हो कुछ इस टाइप से, बट मैं तो नहीं लगाऊंगा, ठीक है। सो यहाँ पे आप और भी जैसे कि स्काई इसमें एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ से थोड़ा बहुत कुछ इस टाइप से इसको आप पास्ट कर सकते हो, ठीक है, एंड यहाँ से इसको रिमूव भी कर सकते हो कुछ स्टेप से, एंड यहाँ से सारा कुछ इसको आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से मैं वापस बैक आ जाता हूँ, एंड ये स्काई मेरा यहाँ पे काम कर रहा है। मैं लास्ट में पूरा जूम इन जूम आउट करके आपको बता दूंगा, ठीक है। एंड इसको सेव करने के लिए आपको क्या करना है, इधर जाना स्पोर्ट वाले ऑप्शन पर, एंड गाइस यहाँ पर इसको स्पोर्ट कर देना। सो यहाँ पर ये वीडियो स्पोर्ट हो रही है, तो वीडियो कंप्लीट हमारी यहाँ पे गैलरी में सेव हो जाएगी आपकी में। एंड अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इस ऐप को कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। सो सिंपली आपके अपने मोबाइल फ़ोन के प्ले स्टोर को ओपन करना, एंड यहाँ पे सर्च बार में आपको लिख देना यहाँ पे मोटिओनल लैब, ठीक है, यहाँ पे ये ऐप आ जाएगा, ठीक है। एंड इसको यहाँ से आप डाउनलोड करके इसको ओपन करके एंड कुछ इस टाइप की एडिटिंग कर सकते हो जैसे कि मैंने बताया है। सो मैंने आपको यह भी बता दिया है, बिल्कुल सिंपल तरीका है डाउनलोड करने का भी एंड एडिट करने का भी। सो दिस वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तब तक के लिए गुड बाय।